Welcome to SG Inceptions. In this video, we are going to show you hand feeding chicks and birds available at Karnataka Aquarium. So, Sayed bhai, इस वीडियो में आप क्या बताना चाहेंगे हमको? भाई मेरे पास एक से चार वैरायटी के जो है वो टेम बर्ड्स हैं और दो तीन वैरायटी के हैंड फीडिंग चिक्स हैं जो मतलब छोटे से बड़ा करा जाता है बर्ड्स, वैसे बर्ड्स हैं वो दिखा दो। ओके, तो सबसे पहले कौन सा बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा ब्राउन विंग ट्यूनस पैरेट। ओके, ब्राउन विंग ट्यूनस पैरेट। ओके, तो आप इसका कलर देख सकते हैं, फेदर देख सकते हैं ब्लूइश कलर में। ओ यस, बहुत ब्यूटीफुल कलर आता है और ये फुल्ली टेम बर्ड है। और आप फुल्ली टेम का सबूत ये है कि आप इसके मुंह में भी हाथ दे दीजिए, काटेगा नहीं। ओके, और इसको कैसे भी डिस्टर्ब कर लीजिए, ये कुछ नहीं करेगा। ये पाए नहीं जाते बहुत आसानी से, रेयर है। हाँ, रेयर बर्ड है, रेयर बर्ड है। ओके, मतलब रिकॉर्डिंग दूसरे बर्ड्स कंपेरिजन के हिसाब से आपको ग्रे पैरेट इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, लेकिन ये इजीली अवेलेबल नहीं है। ये अडल्ट है पूरा या बढ़ता है? और नहीं, ये इतना ही बढ़ेगा भाई, इससे बड़ा नहीं है भाई। ओके, भाई क्या प्राइस में मिलेगा यहाँ पे? भाई ये सिंगल पीस है 55,000 रुपीज़। ओके, और फुल्ली टेम्ड है, आप देख सकते हैं इसके पैर पे क्लोज रिंग है। जी, क्लोज रिंग माने इंडिया में ही ब्रीड हुआ का सबूत है, बिकॉज बच्चे पे ही रिंग डाल सकते हैं, बड़े बर्ड पे नहीं डाल सकते, तो यही सबूत है कि इंडिया में ही ब्रीड हुआ है। तो बाहर का बर्ड बिकॉज वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, और ये इधर ही लोकल में ब्रीड हुआ है, बैंगलोर में और जेपी नगर में ही हालांकि ब्रीड हुआ है, लेकिन ये कस्टमर के पास ब्रीड हुआ था। ओके, तो एक ही पास उनके पास बच्चा निकला तो वो मेरे पास आया है। टेम की प्राइस है 55,000। हाँ, टेम की प्राइस 55,000 रुपीज़ पर। ओके, और नेक्स्ट आपके पास ये ग्रे, और ये आप ग्रे भी देख सकते हैं, ये आप ग्रे में ये अलग ग्रे है। अच्छा, ये जो अफ्रीकन कॉन्गो ग्रे बोला जाता है ये वो नहीं है। ओके, कॉन्गो ग्रे नहीं है, ये चिमनी ग्रे पैरेट है। अच्छा, हाँ चिमनी ग्रे पैरेट है, बहुत सारे लोग इसी को बता के ग्रे पैरेट बोल के बेच देते हैं, लेकिन ये चिमनी ग्रे पैरेट है। ग्रे पैरेट का वैल्यू अभी अराउंड 80-85,000 रुपीज़ पर पीस चल रहा है, लेकिन इसका जो है ये 55,000 रुपीज़ चल रहा है चिमनी ग्रे पैरेट का। ये भी टेम्ड है? हाँ, ये भी टेम्ड है, जैसे आप हाथ पे देख रहे हैं इसको, ये भी फुल्ली टेम्ड है जी। और ये भी क्लोज रिंग है, आप इसका बर्ड का रिंग देख सकते हैं, ये भी फुल्ली क्लोज रिंग है। यस, हाँ, तो ये भी फुल्ली टेम्ड मेरे पास आया हुआ है, ये भी 55,000 रुपीज़ पर पीस का है। ओके, और इधर आप देख सकते हैं स्मॉल कॉन्यूर जो है वो भी मेरे पास अवेलेबल है, स्मॉल कॉन्यूर, ये आप देख सकते हैं, ये पाइनएप्पल कॉन्यूर है, ये पाइनएप्पल कॉन्यूर है, ये कॉमन पाइनएप्पल कॉन्यूर है, और इसमें आप बच्चा देख सकते हैं, ये रेक फैक्टर का बच्चा है, आप इसके फैक्टर देख सकते हैं इधर, ये रेक फैक्टर का बच्चा है। तो ये भी अभी हैंड फीडिंग चिक ही है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, मैं इससे और छोटे भी बच्चे आपको बताऊंगा अभी। ओके, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और ये भी अभी हैंड फीडिंग पे ही है, जो आप देख रहे हैं ये बड़ा बर्ड है जी, लेकिन अभी ये भी हैंड फीडिंग पे ही है अभी। ओके, तो इन सब का प्राइस है 6,500 रुपीज़ पर पीस। ओके, आप हैंड फीडिंग लीजिए या फिर थोड़ा बड़ा लीजिए तो 6,500 रुपीज़ पर पीस आएगा, और अगर बड़ा बर्ड है जैसे आप ये बर्ड देख रहे हैं तो इतने बर्ड को मैं ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करा दूंगा। ओके, और इतने छोटे बर्ड को ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी नहीं होगी, मैक्स टू मैक्स मैं 1,000 किलोमीटर उतनी दूर तक भेज पाऊंगा, ऑफन इंडिया भेज पाऊंगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं भेज पाऊंगा। बच्चे ये सनकन्यूर के चिक्स हैं, हैंड फीडिंग चिक्स हैं, सनकन्यूर के हैंड फीडिंग चिक्स हैं। कितने मंथ्स ओल्ड या डेज ओल्ड है भाई? ये अराउंड 25 डेज के बच्चे हैं। बहुत ही छोटा है। हाँ, कॉटन फेदर्स है, 25 डेज के बच्चे हैं। इतने ही बच्चों से मैं पाल के इनको सब बड़ा किया हूँ। ये भी आप जो ग्रे पैरेट अभी आप देख रहे हैं ना जी, ये भी मैं इतने बच्चे से ही इसको भी पाल के बड़ा किया। ओके, तो ऐसे किसी को हैंड फीडिंग चिक्स चाहिए तो ये भी मिलेंगे भाई? हाँ, मिलेंगे। ओके, क्या प्राइस में है इनका? इसका 12,000 रुपीज़ पीस का प्राइस है। okay. और मेरे पास आप देख सकते हैं थोड़े बहुत हैं बच्चे जी, ये भी आप देख सकते हैं, ये येलो डोमिनेंट का बच्चा है, इसको थोड़ा फेदर आना चालू हो गए हैं।
येलो डोमिनेट के बच्चे हैं, बहुत सारे लोग इनके इनको देख के शॉक हो रहे होंगे बिकॉज अभी बहुत छोटे हैं और इनको माँ बाप से अलग करके रखा गया है। तो इसका मैं कारण आपको बता देता हूँ, इनका माँ बाप से अलग करने का हमारा भी मन नहीं है, लेकिन जब टेम बर्ड चाहिए तो कस्टमर बहुत सारे क्लाइंट्स इनको टेम बर्ड को यही मांगते हैं, इसी वजह से इनको लाया जाता है। और इसमें इनको पालने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है गाइस, उसका टेंशन मत लीजिए, ऐसे पालने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 100% पूरे बच्चे बड़े होंगे। और मैं ये कॉकटेल भी बनाऊंगा, ये कॉकटेल भी आप देख सकते हैं, ये भी हैंड फीडिंग चिक्स हैं, इनको तो काफ़ी बाल आ चुके हैं जी। लेकिन इनको भी कॉटन फेदर ही बोला जाता है बिकॉज आप ये फेदर देख जो देख रहे हैं ना, इसको कॉटन फेदर बोला जाता है। और ये आप देख सकते हैं वाइट फेस कॉकटेल, ये दिखने में आपको ग्रे कलर ही दिख रहा है लेकिन व्हाइट फेस कॉकटेल है ये। अच्छा। इधर पे इसका फेस जो है वो थोड़ा बड़ा होने के बाद पूरा व्हाइट कलर में हो जाएगा, ये व्हाइट फेस कॉकटेल है। अच्छा। और इनका जो प्राइस है पर पीस 2000 रुपये का प्राइस है, ये रेगुलरली बहुत अच्छा सेल होते हैं, कॉकटेल चिक्स बहुत अच्छा मेरे पास सेल होते हैं। अच्छा। तो इतने बर्ड्स मेरे पास अभी जो आपको सब दिखाया इतने बर्ड्स मेरे पास अभी अवेलेबल में है, तो जिसको भी चाहिए कॉन्टेक्ट करिए ट्रांसपोर्ट इंडिया। सिर्फ जो बड़े बर्ड्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया होंगे, अगर जो छोटे बर्ड्स हैं वो सिर्फ जी वो सिर्फ आपको 1000 किलोमीटर के सराउंडिंग में ही आ पाएंगे, उससे दूर नहीं आ पाएंगे। ओके। कॉकटेल बेबीज की क्या प्राइस है? 2000 रुपये पर पीस। ओके ऑलराइट। तो छोटे बेबीज डिलीवर नहीं हो पाएंगे राइट? नहीं, छोटे बेबीज डिलीवर नहीं हो पाएंगे, शॉप पे पिकअप ही हो सकता है। शॉप पे भी पिकअप हो सकता है, अगर वो 1000 किलोमीटर जैसे वन नाइट जर्नी है तो वो भी हम करा सकते हैं। ऑलराइट। सो ये थे सारे बर्ड्स अवेलेबल एट कर्नाटका एक्वेरियम।